Hey, good morning, student. How are you all? Hope so you are doing great. So, welcome you all to Chase in Online Classes. So, today I am going to take up a very interesting topic that is past perfect tense. So, as you all know, in the previous uh, video, uh, we have already done the past uh, tenses like simple past tense or the past continuous tense. So, today we will discuss about the past perfect tense. So, let's start so uh, in this particular video we will see what do we mean by the past perfect tense and where do we can use this tense and the structure of this tense like positive sentence and a negative sentence and the interrogative sentence all right now let us see what do we mean by the past perfect tense so the past perfect tense of a verb expresses the action that happened before another action or event in the past so you have यू ऑल हैव सीन दैट द परफेक्ट मीन्स हेअर द परफेक्ट मीन्स परफेक्ट मीन्स अ हंड्रेड परसेंट परफेक्ट क्लियर एंड द पास मीन्स यू ऑल नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पास्ट क्लियर सो द पास टेंस ऑफ द वर्ड एक्सप्रेस इज एक्शन दैट हैिफोर अनदर एक्शन और इवेंट इन द पास्ट मीन्स कोई भी एक्शन जो एक पास्ट एक्शन के पहले एक्शन हुआ हो उसे एक्सप्रेस जब करते हैं हम उसे पास परफेक्ट टेंस कहते हैं नेक्स्ट अप इज द वर्ब इन अनदर पार्ट ऑफ कब यूज होता है जब इसमें दो सेंटेंसेस होते हैं और जो सेकंड सेंटेंस होता है वो ऑलवेज किसमें होता है टेंस में और जो द फर्स्ट वन सेंटेंस इज अ पास परफेक्ट टेंस क्लियर ओके सी द एग्जांपल्स दैट यू विल अंडरस्टैंड ईजिली ओके द एक्टर्स हैड रिसर्च फॉर मैनी वीक्स ओके सो जो एक्टर्स हैं वो रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी वीक से रिसर्च कर चुके हैं वी हैड जस्ट अराइव व्हेन द प्ले स्टार्टेड सो सी यहाँ पे दो एक्शन परफॉर्म uh, कर रहे हैं फर्स्ट वन इज वी हैड जस्ट अराइव वी हैज जस्ट अराइव मतलब हम अभी आए ही हैं वो मतलब कोई भी पर्सन है जो अभी आए ही हैं वैन द प्ले स्टार्टेड ओके जब खेल शुरू हो चुका है जब मतलब ऑलरेडी जो खेल है वो क्या हो चुका है शुरू हो चुका है उससे पहले हम लोग क्या चुके हैं आ चुके हैं तो ये दोनों एक्शन जो हैं वो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं सो so, बेसिकली जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो क्या होता है कि पास्ट में कोई एक्शन चाहे वो दो एक्शन हो चाहे वो एक एक्शन हो पूरी तरह यानी हंड्रेड परसेंट क्या हो चुका हो कंप्लीट हो चुका हो क्लियर ओके सो देर आर सम यूज़ ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस सी द फर्स्ट वन व्हेन टू एक्शन अकर्ड इन द पास्ट जब भी कोई दो एक्शन पास्ट में होते हैं क्लियर स्पीक द फर्स्ट एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू की एक एक्शन जो किसमें होता है पास परफेक्ट टेंस में एंड द अनदर एक्शन बिलोंग टू दिंपल पास स्पीक दिंपल पास क्लियर सो द पास परफेक्ट टेंस ऑलवेज

आई नोटिस डैट ही हैड लेफ्ट बिहाइंड सो हे आई नोटिस आई नोटिस उसने नोटिस किया कि वो अपनी बुक्स छोड़ कर जा चुका है क्लियर अपनी बुक्स छोड़ के जा चुका था यानी बुक्स पहले उन्होंने छोड़ी हुई कोई भी संबड़ी ही यहाँ पे कुर शाम आ, किसी से भी आप ले सकते हैं ही कोई सिंगुलर पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है तो आप किसी को भी ले सकते हैं तो पर्टिकुलर पर्सन अपनी कोई बुक वहां पे छोड़ चुका है मतलब ये जो बुक छोड़ने का काम है वो फर्स्ट एक्शन है एंड द सेकेंड एक्शन कब हुआ जो पर्टिकुलर पर्सन आए मैं हूँ योर टीचर सो मैंने उन बुक्स को नोटिस किया कि यानी यू आप समझ ली आप लोग अपनी बुक्स छोड़ के गए और मैंने वो नोटिस किया तो फर्स्ट एक्शन जो है हमारा किस में हो गया पास्ट uh, परफेक्ट में एंड द सेकेंड वन इज बिलोंग्स टू द सिंपल पास्ट टेंस क्लियर सो Uh, the past perfect tense. Now, see the structure of the past perfect tense. Uh, in this page, we have seen the three uh, sentences with the rules. Like the first one is. Okay. So, here uh, the plus sign means positive, minus is negative, and the question mark is interrogative. Clear? So, the first structure, subject means the positive, uh, positive structure. Subject plus hat plus past possible, participle, that is, uh, rest of the sentences. Like, uh, in simple uh, uh, present perfect tense, mein aapne dekha hoga ki we use uh, helping verb to helping verb, that is, has or have. So, has we use with the singular subject and have we use the plural subject. But in this tense, we use uh, had whether subject is plural or singular. Clear? So, subject. सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा शी शी इज द सब्जेक्ट शी के साथ हमने हैड यूज़ किया क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि हम हैड यूज़ करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो सिंगलर हो प्लूरल हो डेंट मैटर हम हमेशा हैड का यूज़ करेंगे इन पास परफेक्ट टेंस क्लियर फिनिश्ड फिनिश इज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब और यू कैन से द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इस सेंस में परफेक्ट uh, जितने भी टेंस है हमारे पूरे टेंस जब आप देखोगे तो परफेक्ट टेंस में आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ दर्ब का यूज़ करेंगे क्लियर अगर थर्ड फॉर्म ऑफ दर्ब रेगुलर और इरेगुलर स्टार्टिंग में आपको मैंने टेबल बताई होगी कि देर वर्ब्स uh, के टू फॉर्म्स uh, होते हैं द फर्स्ट वन इज द रेगुलर एंड द सेकेंड इज इरेगुलर फॉर्म्स ओके सो अब जब रेगुलर होते हैं तो हम ई डी uh, या डी लगा कर भी यूज कर सकते हैं इरेगुलर होते हैं तो जैसे गो एंड गे इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ दर्ब्स हैं क्लियर सो यहाँ पे फिनिश्ड हमने डी uh, लगा ई डी लगा कर यहाँ पे फिनिश्ड किया मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया द टेस्ट इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस नाउ सी द नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट हैड नॉट सो हैड नॉट है आप यूज कर सकते हैं और इंस्टेड ऑफ हैड नॉट यू कैन यूज आल्सो इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैड नॉट क्लियर देन पास्ट पार्टिसिपल एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सो शी फिनिश द टेस्ट वो अपना टेस्ट फिनिश नहीं कर चुकी थी क्लियर अब interrogative sentences में हाँ एक चीज और मैं आपको बताया था कि जब हम नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव में सो so नेगेटिव हमेशा कब नॉट का यूज कब होता है Be, uh, means, uh, हमारे हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है उसके बीच में मीन्स इन बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब और द मेन वर्ब वी ऑलवेज यूज नॉट क्लियर देन इज हैड प्लस सब्जेक्ट देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हैड शी फिनिश द टेस्ट क्लियर So, ये याद रखिएगा इसमें क्या यूज होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ परफेक्ट पास में क्लियर सो नाउ देर आर सम एग्जांपल्स पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स हैं इससे भी हम ग्रो थ्रू हो जाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस आई वैन देयर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क सी द फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप लोग आई वेंट द आफ्टर आई हैट कम्प्लीटेड द टास्क मतलब फर्स्ट एक्शन जो है वो क्या है पर्टिकुलर कोई टास्क होगा पहले उसने वो कम्प्लीट किया और कम्प्लीट करने के बाद उसे कहीं पर भी जाना था वो वहाँ पर गया सो वेन इज द सिंपल पास्ट टेंस ओके एंड हैट कम्प्लीटेड हैट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वो कम्पलीट के साथ ई डी का हमने यूज़ किया और राइट सो फर्स्ट हमारा जो एक्शन है वो किस से है पास्ट परफेक्ट से एंड द सेकेंड वन इज a uh, simple past tense she had come late to school she had done her homework so she was happy he had lived in florida for 10 years before he moved to california clear now let's see the uh, negative sentence also they had not been married when i was born so happy though action complete uh, that they मतलब मैं उन्होंने शादी नहीं नहीं की थी जब उससे जिससे पहले मैं पैदा नहीं हुआ था ठीक है तो जो शादी का काम था वो ऑलरेडी नहीं होने का वो पहले हो चुका है और उनके पैदा होने वो जब पैदा हुए कब उनका बॉर्न कब हुआ बाद में तो ये दो एक्शन यहाँ पे चल रहे अनटिल ही वेंट टू इंग्लैंड ही हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश यू हैड नॉट स्टार्ट हार्ट शी हैड नॉट डन ह होम वर्क सो शी वॉज सेट सीधा क्वेश्चन सेंटेंसेज हैड दे बीन मैरिड वेन आई वॉज बॉर्न सो जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो हम इंटरचेंज uh, कर देते हैं मतलब पोजिशन चेंज कर देते हैं जो हमारे हेल्पिंग वर्क की पोजिशन है वो फर्स्ट पर आ जाती है और जो हमारे सब्जेक्ट की पोजिशन है वो सेकेंड हो जाती है क्लियर सो हैड ही स्पोकन इंग्लिश एंडल हीड शी डन हर होमवर्क हैड ही लिव्ड इन फ्लोरिडा सो नाउ दे आर समूसेज ऑफ पास परफेक्ट टेंस वन बाय वन हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वन इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन फिनिश्ड बिफोर पास्ट एक्शन मींस जब भी कोई पास्ट एक्शन स्टार्ट होता है उससे पहले एक एक्शन ऑलरेडी क्या हो जाता है फिनिश हो जाता है uh, सीधे एग्जांपल रिचर्ड है ऑफिस मतलब जब उसकी वाइफ आई थी ऑफिस में रिचर्ड जो था वो ऑलरेडी ऑफिस से जा चुका था मतलब ये जो रिचर्ड का जाने का एक्शन है वो फर्स्ट एक्शन है मतलब ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जब उसकी वाइफ ऑफिस आई थी नाउ सी द वन डिस्क्राइब एन एक्शन दैट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम हमें पास्ट में दिया जा रहा है ठीक है और वो एक्शन के बारे में एग्जांपल देखते हैं क्रिस्टीन हैड नेवर बींग टू एन ऑपरा बिफोर लास्ट नाइट मतलब लास्ट नाइट से पहले क्रिस्टीन ने कभी ओपरा म्यूजिक या ओपरा एक म्यूजिक होता है वो कभी नहीं आ, देखा था नो नो ओपरा आई थिंक एक स्नैक है uh, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है सो so, वो कभी उसने नहीं देखा था किसने क्रिस्टीन क्रिस्टीन ने नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू डिस्क्राइब कॉज एंड इफेक्ट कंबाइंड विथ पास सिंपल सो कोई कॉज होता है कोई इफेक्ट होता है जो साथ में मतलब पास परफेक्ट तो है एक्शन और कौन सा एक्शन और हो रहा है पास सिंपल का आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक बिकॉज देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट सो क्या हुआ कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ ठीक है फर्स्ट एक्शन एक्सीडेंट होने का हुआ दैट इज द मेन रीजन कि पर्टिकुलर पर्सन कहाँ पे स्टक हो गया ट्रैफिक में स्टक हो गया तो ये जो गॉट स्टक का सेकेंड एक्शन है वो किस में यूज हो रहा है हमारे पास्ट सिंपल में नाउ सी टू एम्फेसाइज द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट एम्फेसाइज करना कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में हो रही है एम्फेसाइज मतलब जोर देना आई हैड बीन टू लर्ंडन टवाइस बाय द टाइम आई गॉट अ जॉब इन न्यूयॉर्क ओके सो देर आर सो अनदर यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस दट इज पास परफेक्ट टेंस तो इट विल भी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड Action finished before another past action. So repeat. Ho hai. Se isko. Richard had gone out when his wife arrived in the office. Action happened before a specific time in the past. Christine had never been to an opera before last night. Action started in the past and continued up to the given time in the past. We had owned that car for 10 years before it broke down. Causes and effect combined with past action. एंड एम्फसाइज द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास क्लियर अब देर आर टाइम एक्सप्रेशन ऑल्सो अब ये कुछ वर्ड है जो टाइम को इंडिकेट करते हैं अगर ये वर्ड आपके किसी सेंटेंस में हो तो ये इजिली आपको रिकोगनाइज हो जाएगा कि डैट जो सेंटेंस है वो आपको कहाँ से बिलोंग करता है पास परफेक्ट टेंस लाइक ऑलरेडी येट फॉर सिंस जस्ट आफ्टर बिफोर एंटिल मूवमेंट येट ऑल राइट फॉर और सेंस हमें टाइम रेफरेंस के बारे में बताते हैं कि टाइम रेफरेंस क्या है क्लियर ओके नाउ सी द डिफरेंस बिट्वीन द सिंपल पास्ट एंड द पास्ट परफेक्ट टेंस सो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे Uh, कि अभी कैसे मीन्स यू ऑल मस्ट हैव मस्ट बी कन्फ्यूज वाइल डूइंग द सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट एक्सरसाइजेज क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कन्फ्यूजन कैसा लेट सी आपने देखा होगा कि आपका कन्फ्यूजन रहता है कि क्या तुमने चाय लिया क्या तुमने चाय लिया डिड यू टेक टी मतलब आप क्या लिखोगे अगर आपने हिंदी में सोचा क्या तुमने चाय लिया तो डेट टाइम आप क्या लिखोगे डिड यू टेक टी और हैड यू टेकिन टी राइट right? ये दो कन्फ्यूजन रहता है कि आप लोग क्या बोलोगे कि डिड यू टेक टी और या हैड यू टेक हैड यू टेक इन टी और अगर आपने क्या क्या तुमने खाना पकाया था उस टाइम आप क्या लिखोगे डिड यू कुक फूड और हैड यू कुक्ड फूड सो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये कन्फ्यूजन तो रहेगा ये ऑब्वियस है कि ऐसा कन्फ्यूजन होता है सबको होता होगा हमें भी होता था बट यहाँ पे एक चीज है कि जब हम पास्ट इनडेफिनेट करते हैं और जब हम पास्ट परफेक्ट करते हैं इन दोनों चीज़ों को समझेगा पास्ट इनडेफिनेट इंडेफिनेट का मैंने आपको सम मतलब बताया था इनडेफिनेट मतलब कोई चीज़ चीज़ आपकी निश्चित नहीं है इनडेफिनेट है डेफिनेट ही नहीं है क्लियर उसमें टाइम गिवन नहीं होता बट यहाँ पे परफेक्ट टेंस का मतलब परफेक्ट हंड्रेड परसेंट परफेक्ट हो चुका है यानी अगर आपने पास्ट की कोई बात करी तो पास्ट में हमारी हैबिट थी कि पास्ट में हम ऐसी चीज़ करते थे या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में कोई प्रोवो के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम उस टाइम पे पास्ट uh, इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं बट जब हम पास्ट परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई चीज़ हमारे परफेक्ट तरीके से हो चुके है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसके उसके चेंजेस जैसे सपोज आपने लिखा कि uh, मैं एग्जाम दे चुका था ठीक है तो अब ये क्या है आई आई के साथ हम इसमें किसका यूज करेंगे हैड आई हैड गिवन द एग्जाम मैं ऑलरेडी एग्जाम क्या है वो दे चुका था तो ये जो एग्जाम देने का काम है ये आपका पास्ट में फिनिश हो चुका है ऐसा तो नहीं है आप दोबारा दोबारा नाइन्थ का एग्जाम देंगे नहीं एक बार ही देंगे ना तो वो जो चीज़ है वो पास्ट में ऑलरेडी हैपन हो चुकी है वहीं पास्ट में हु, स्टार्ट हुई और पास्ट में ही खत्म हो चुकी है पर जब हम इनडेफिनेट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट में रिपीट हुआ है राइट कि कोई पास्ट में मेरी चाय पीने की आदत थी राइट तो चाय पीने की आदत कब थी पास्ट में थी मतलब मैं डेली बेसिस पे चाय पीती थी तो वो मेरी आदत कब थी पास्ट में थी सो आई होप यू हैव यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पास्ट परफेक्ट टेंस सो इन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस टिल देन टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक यू